देखते ट्रैक्टर खुद भी चल रहा है, खाली किसी ने पकड़ा इसको। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी, होप्सो मजे में होंगे। तो आज मैं आपको फिर एक वाले चलता हूँ अपने खेत की तरफ। तो आज हम जो खेत में बर्मिंग कंपोस्ट गोबर खाद है उसको डालने जा रहे हैं। तो आपको बताऊंगा कि बर्मिंग कंपोस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, खेत में क्यों डालनी चाहिए और क्यों डालनी जरूरी है और क्या क्या न्यूट्रिशन से मिट्टी को क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखिए, साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी भेजूं या जो भी जानकारी साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये बर्मिंग कंपोस्ट खाद जो है केंचुआ खाद, तो ये देख सकते हैं केंचुआ ने बिल्कुल बारीक कर दिया इस गोबर को। तो इसको जो हम खेत में डाल रहे हैं ये कढ़ाई की मदद से। तो ये खेत में इस खेत में गोबर डालेंगे पूरे के पूरे खेत में। तकरीबन यहाँ से 70 से 100 कढ़ाई जो है इसमें गोबर खाद डलेगी। तो इस गोबर खाद को डालने के बाद हम इसके ऊपर जो है इसको चारों तरफ बिखेर देंगे खेत के और इसमें हल चला देंगे। हल चलाने से ये क्या होगा, मिट्टी में बिल्कुल मिश्रण हो जाएगा और मिश्रण होने से इसमें जो है ज़मीन को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसकी कमी जो है कम्प्लीट कर देगा ये गोबर खाद। तो ये एक प्राकृतिक खेती के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है ये नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो आजकल जो है आपको पता है कि हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग की ओर काफ़ी जोर चला हुआ है, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जो मतलब काफ़ी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कृषि सखी वगैरह रखी हुई है जो फील्ड में जा जाकर लोगों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में अनेक जानकारी देती है। तो इसलिए जो है नेचुरल फार्मिंग को प्राकृतिक खेती को जो हिमाचल में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि मतलब अनेकों बीमारियां जो है बीमारियां दूर होती है और इससे केंचुए बढ़ते हैं। अगर हम खाद डालेंगे खेत में तो केंचुए वगैरह जो है नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये बर्मिंग कंपोस्ट खाद जो इसको हमने मतलब साइड कर दिया भोर के, इसको जो है नरम हाथ से बिल्कुल ऐसे करना पड़ता है, इसको साइड करने के बाद इसको खेत में डालते हैं। तो ये गोबर की ढेरी देख सकते हैं कितना सारा मतलब गोबर हमने इकट्ठा कर दिया एक जगह। तो इस गोबर को जो हम निकाल कर यहाँ साइड में कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि गोबर बिल्कुल केंचुए ने इसको जो नरम कर दिया, ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम कर दिया। इसमें अभी केंचुए दिखाई नहीं दे रहे हैं सामने, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे केंचुए जो है एक गुच्छे जो है एक साथ जो है इकट्ठे निकलते हैं, वो पूरे गोबर को नरम कर देते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल गोबर को मिट्टी की तरह इन्होंने नरम कर दिया है, ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का नरम कर दिया। तो इस पूरी ढेरी को जो है हम अब खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, खेत में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और इसको यहाँ से उठाकर कढ़ाई की मदद से आगे खेत में फेंकेंगे। देख सकते हैं फेंक रहे हैं, तो ये हमने कढ़ाई में भर दी है। तो मैं इसको उठा कर ले जाऊँगा और आगे फेंक दूँगा। तो इस तरह पूरे प्लॉट में जो गोबर केंचुआ खाद जो गोबर डाल दिए। तो ये मेरा पावर वीडर ट्रैक्टर टीलर, तो इससे अब हम यहाँ जुताई करेंगे और इसको जो है गोबर को मिश्रित करेंगे ताकि जो है इसके जो पौष्टिक तत्व है न्यूट्रिशन जो मिट्टी में मिश्रित हो जाए और मिट्टी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। तो इस तरह से जो है इस गोबर को पूरे खेत में खिलार देंगे। खिलारने के बाद इसमें जो है इसको इसमें जो हल चलाएंगे और हल जोतने के बाद इसको जो मिट्टी के साथ इस बर्मिंग कंपोस्ट को जो है बिल्कुल मिश्रित कर देंगे ताकि पूरे प्लॉट में एक समान मिश्रण बन जाए। तो ये जो गोबर मिश्रण कर रहे हैं तो पावर टिलर को भी हमने हले चढ़ा दी और इसको स्टार्ट कर दिया, अब ये गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में हम गोबर को खेत में बिखेर देंगे। जैसे ये बिखेर रहे हैं पूरे प्लॉट में एक साइड बिखेर दिया, तो इस बिखेरने से क्या होगा कि मैंने पहले बोला कि इसमें जो है हर जगह जो प्रॉपर जो है ये केंचो खाद प्रॉपर पहुंच जाएगी और इससे जो है प्रॉपर पहुंचने से हर पूरे के पूरे खेत को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकेंगे। तो ये मेरा प्लॉट, इसमें अब हम जो है जुताई के बाद खीरा लगाएंगे, खीरे की खेती करेंगे और खीरे की खेती के बाद इसमें यहाँ इस साइड जो टमाटो लगाएंगे, टमाटो शिमला मिर्च बैंगन हरी मिर्च वगैरह जो आपको पता है मैं सब कुछ जो है लगाता हूँ। तो इस तरह से जो बिल्कुल देख सकते कितना नरम
कितना नरम गोबर है, तो इसको जो है ये बिल्कुल हाथ से उठाकर जो है पूरे खेत में बिखेरना पड़ता है। ट्रैक्टर खुद भी चल रहा है, ये खाली किसी ने नहीं पकड़ा इसको, तो पूरे खेत की जो है जोताई कर ली है।